फ्रेंड्स, मैं जल में एक और आपको फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MDH की तरफ से आने वाली हरी वर्षा धूप पत्ती की अनबॉक्सिंग। चार फ्लेवर्स हैं इसके, देखेंगे कि चारों फ्लेवर अंदर से कैसे दिखते हैं और कितना ये हमें प्राइस में दे सकता है ये। और इसके अंदर एक और चीज़ निकलती है जो कि और पैकेटों में नहीं निकलती, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग को। तो सबसे पहले हम रोज़ को देखते हैं। तो रोज़ हमारे पास यहाँ पे है, रोज़ का पैकेट काफ़ी साइन कर रहा है। MDH ऊपर MDH लिख रहा है, नीचे रोज़ प्रीमियम कॉन्स लिख रहा है। आप सोचेंगे कॉन्स कैसे हो सकते हैं, तो धूप बत्ती है या फिर धूप बत्ती कैसे हो सकती है तो कॉन्स है। तो ये कॉन्स धूप बत्ती की शेप जो होती है वो भी कौन ही होती है, और इसमें रेडीमेड हमको मिलेगी धूप बत्ती, यही इसकी खास बात है। तो ये सुभाष जी कुछ लिख रहा है यहाँ पर, गुलाब प्रीमियम कोन, और ये गांधी जी का चश्मा, और ये थोड़ा कलर ख़राब हो रहा है इस पैकेट का ही। और यहाँ पे हिंदी में लिखनी है वही सब चीज़ें, हिंदी में लिख रहा है MDH हरी वर्षा गुलाब प्रीमियम कोन। यहाँ पे फूल छप रहे हैं, इस तरफ एक इलस्ट्रेशन दिया गया है और इस तरफ ये महाशय जी हैं। तो और इसलिए बारकोड है इसका, और नीचे से क्या है, नीचे से कुछ ऐसे दे रखा है इसके पैकेट में। और 23 ग्राम्स लिख रहा है, ड्राई धूप कॉन्स हैं, और 15 का प्राइस है। ऐसे ही ये चंदन का पैकेट है, यहाँ पे हाथी छपे हुए हैं, प्रीमियम कॉन लिख रहा है, हरी वर्षा MDH और चंदन सुभाष जी, और फिर से हरी वर्षा, और ये इसका इलस्ट्रेशन है, और नीचे से वही सब चीज़ें लिख रही हैं। देखते हैं चंपा क्या है। तो ये चंपा है, ये चंपा का फूल होगा शायद। प्रीमियम कॉन्स लिख रहा है, और काफ़ी पैकेट आप देख सकते हैं काफ़ी चमक रहा है क्योंकि प्रीमियम है ये। और इधर लिख रहा है सुभाष जी वही वाला, इधर चंपा प्रीमियम कॉन की प्योर सिटी ग्रीन, इस तरफ वही सब चीज़ें हिंदी में, पर पैकेट काफ़ी चमक रहा है ये वाला, और खुशबू भी दे रहा है। वहाँ से जी फिर से आ गए यहाँ पे, MDH मसाले आ ली हैं। चंपा लिख रहा है, बार कोड है यहाँ पे, और ये इसका इलस्ट्रेशन है, ग्रीन है ये, और कलर भी देखेंगे सबका। और ये लेवेंडर फ्लेवर, चलो वो सब तो लगती भी हैं, लेवेंडर तो बिल्कुल नया सा लग रहा है अगरबत्ती के लिए। यहाँ पे लेवेंडर छप रहे होंगे, हरी वर्षा और चमकने वाला पैकेट, तरफ सुभाष जी, और ये वाला इस वाले की साइन बढ़िया लग रही है, वहाँ से जी लेवेंडर बारकोड, और ये पर्पल है, देखेंगे पर्पल निकलते हैं नहीं। तो सबसे पहले गुलाब वाली को खोल के देखते हैं। तो खोल लिए हमने गुलाब वाली, देखते हैं इसके अंदर क्या है, खोल लेते हैं ऐसे यहीं पे, ऐसे रखते हैं साइड में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमें अंदर दे रखी है, पैकेट हमने खोल लिया है, और यहाँ पे रेड कलर की हैं, और ये इसका स्टैंड है, ये चीज़ मैं आपको अलग दिखा रहा था। तो सबसे पहले इसे देखते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड कलर की है, जैसा इसमें दिखा रखा था रेड ही है, कलर थोड़ा डार्क है, और खुशबू भी निकलने लगी है गुलाब की, और अंदर ये इसका स्टैंड रखा हुआ है शायद। हाँ, तो ये इसका स्टैंड है लोहे का, और इसके ऊपर इसे ऐसे करके रख दिया जाता है, और बिल्कुल रेडीमेड है, वैसे ऐसे लगाओ और इसे आप आराम से कर सकते हो पूरा। तो अब दूसरे देखते हैं, अब देखते हैं सैंडल में क्या निकलता है। तो पैकेट खोलते हैं, तो पैकेट हमने खोल लिया है, और चंदन देखते हैं क्या निकलता है अंदर, ये हमने खोल लिया,
कलर तो सही लग रहा है। तो ये चंदन है, देखते हैं चंदन के अंदर से क्या निकलेगा। आंखें खुल ही गया, तो अंदर से एक चंदन निकालते हैं और एक निकालते हैं इसका स्टैंड। तो अब देखते हैं चंदन कैसी है। तो सामने आपको दिख रही है चंदन और ऊपर से ऐसी थोड़ी आपको मिट्टी मिट्टी कैसी लग रही होगी, पर खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है इसमें से। ऐसे ही आप जैसे रोज़ को रखा था ऐसे इसको भी रख सकते हैं। और देखने से ही कलर का अंतर पता चल रहा है आपको, वो रेड है, ये मिट्टी के कलर की है थोड़ी थोड़ी, और शायद बिखर भी गई हैं यहाँ पे इसकी पीस। तो अब चंपा में देखते हैं चंपा में क्या आता है। तो चंपा ये बहुत चमक रहा है और ग्रीन है। हमने चंपा देखते हैं अंदर क्या है। अंदर जैसे ये ग्रीन सबका कलर अलग ही दिख रहा है, ये ग्रीन है। और ये इसे यहाँ रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर से कैसे। खुशबू तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, पर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप एक एक की खुशबू अलग से पहचान सकते हैं, ऐसी खुशबू आ रही है इसमें से। और ये निकल रही है चंपा, चंपा काफी अच्छी लग रही है देखने में। निकल रही है, स्टैंड निकालते हैं चंपा का। निकल गया, रखते हैं चंपा को इधर, देखते हैं चंपा में क्या है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन कलर है और बिल्कुल कौन शेप में दे रखी है MDH ने, और खुशबू ही काफ़ी अच्छी आ रही है। तो रखते हैं इन्हें, रखते हैं हम चंपा को चंपा के आगे। अब कौन सी बची, अब है हमारे पास लेवेंडर, जो कि लगता भी नहीं है कि इन सब नामों के संग होनी चाहिए थी, पर ये अलग ही फ्लेवर है। MDH ने हमें ऑफर किया है प्रीमियम कोन्स। तो देखते हैं अब लेवेंडर में क्या खास निकलता है। बाकी इन सब में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने रेड कलर का देखा जो कि था रोज़ गुलाब, उसके बाद हमने सैंडल देखा और सैंडल के बाद हमने देखा चंपा, और अब हम देखने जा रहे हैं लेवेंडर। तो लेवेंडर को देख गया, ये तो अंदर ही चला गया, मुझे आधा जोर लगा दिया। तो देखते हैं, अरे वाह पर्पल निकली है अंदर से। ये हमारी लेवेंडर के लिए जगह है और पर्पल दिख रही है आपको, दिख रही होंगी पर्पल। अब इन्हें खोलते हैं, तो खोलने हम इसको
ज़्यादा, चलिए कोई बात नहीं, बिखरने से बच गई है, अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं लेवेंडर डार्क पर्पल कलर की है और सॉलिड पार्टिकल्स अलग से दिख रहे हैं। और आपको अगर ये ऐसी लग रही हो तो ये बिल्कुल ऐसे नरम नहीं है, बिल्कुल टाइट है ये। आवाज़ भी आ रही होगी आपको, बिल्कुल टाइट कॉन्स हैं। और स्टैंड निकालते हैं लेवेंडर का, अरे ज़्यादा गिर गई, एक ही चाहिए अभी हमें इलस्ट्रेशन के लिए। तो ये आप देख रहे हैं चार फ्लेवर में आने वाली MDH की तरफ से, गुलाब, चंदन, चंपा, लेवेंडर, गुलाब रेड, चंदन ब्राउन, चंपा ग्रीन और लेवेंडर पर्पल दिख रही होगी आपको। और नीचे इनके पैकेट्स हैं, और अभी हम पैकेट्स में देखेंगे अलग अलग, मतलब एक ही साथ देख लेंगे एक पैकेट में कि कितनी आती हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो एक बार देखते हैं कि कितनी आती हैं इसमें। तो सबसे पहले लेवेंडर वन हो चुके हैं उसमें, ये लेवेंडर दूसरा, ये तीसरी, तीसरी लेवेंडर, ये चौथी लेवेंडर, ये पांचवी लेवेंडर, और ऐसे ही करते करते देखते हैं कितनी निकलती हैं। तो पैकेट हो गया हमारा खाली। तो हमने देखा टोटल इसमें हैं 15 दे रखी हैं इसमें, हमें 15 ऑफर करता है MDH एक पैकेट में, और ₹1 की एक पड़ती है। काफ़ी अच्छी है देखने में भी, काफ़ी अच्छी है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी है देखने में, काफ़ी अच्छी है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग को भी पता चले MDH की तरफ से मार्केट में प्रीमियम की।